क्या आप भारत के सबसे बड़े मदरसे का नाम जानते हैं? यूपी में बना दारुल उलूम देवबंद भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है। इस मदरसे में दुनिया भर से लोग पढ़ने आते हैं। भारत की आज़ादी में इस मदरसे का बड़ा योगदान रहा। 70 एकड़ में फैला ये मदरसा आज पूरे भारत को अपनी गौरव गाथा सुना रहा है। ये भारत का एकमात्र मदरसा है जहाँ पर हेलीपैड की सुविधा उपलब्ध है। दारुल उलूम देवबंद ने भारत को सबसे बड़े वैज्ञानिक और राजनेता दिए। 20वीं सदी के अधिकतर राजनेता दारुल उलूम देवबंद की विचारधारा से प्रभावित थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पहले जनरल सेक्रेटरी मिन्नतुल्ला रहमानी दारुल उलूम देवबंद के ही छात्र थे। देश के पहले गृह मंत्री मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने दारुल उलूम देवबंद से ही शिक्षा हासिल की थी। दारुल उलूम देवबंद के संस्थापकों ने ही 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ शामली में जंग लड़ी। इस युद्ध की अगुवाई मशहूर क्रांतिकारी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की कर रहे थे। अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देने वाले मौलाना अशरफ अली थानवी दारुल उलूम देवबंद के ही छात्र थे। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना मौलाना कासिम नानोतवी ने 30 मई 1866 को देवबंद में की थी। देवबंद की एक छोटी सी मस्जिद से शुरू हुआ ये मदरसा आज एशिया का सबसे बड़ा मदरसा बन चुका है। इस मदरसे के पहले छात्र महमूदुल हसन और पहले उस्ताद महमूद थे। दारुल उलूम देवबंद भारत का पहला मदरसा है जिसने डिग्री देने की परंपरा की शुरुआत की। 1875 में एक सम्मेलन में छात्रों को सबसे पहले डिग्रियां दी गईं, जिसके बाद ये परंपरा पूरे भारत में फैल गई। सन 1875 में ही इस मदरसे की पहली बिल्डिंग की बुनियाद रखी गई। दारुल उलूम देवबंद आज भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है। इस मदरसे ने उस वक्त हजारों मुफस्सिर मुहद्दिस मुफ्ती और आलिम पैदा किए जिस वक्त भारत में मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जा रहा था। इस मदरसे ने कुछ ही सालों में इतने क्रांतिकारी पैदा कर दिए कि 1875 में अंग्रेज गवर्नर सर जॉन स्ट्रेची ने इस मदरसे की जांच के आदेश दे दिए। अंग्रेजों को डर था कि कहीं इस मदरसे की वजह से उनकी सल्तनत खतरे में न पड़ जाए। इस मदरसे की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंग्रेजी खुफिया विभाग द्वारा दारुल उलूम देवबंद को भारत के सबसे बेहतरीन स्कूल होने का अवार्ड दिया गया। अंग्रेज अधिकारी सर जॉन पोमर ने तो यहाँ तक कह दिया कि इतना बेहतरीन स्कूल तो उसने इंग्लैंड में भी नहीं देखा। इस मदरसे के पहले छात्र रहे शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन ने ही जमीयतुल अंसार नाम का आंदोलन चलाया जिसने भारत की आज़ादी में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत करने वाले मौलाना उबैदुल्ला सिंधी दारुल उलूम देवबंद के ही छात्र थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। वो आजाद हिंद सरकार में भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि रोलेट एक्ट कमीशन ने दारुल उलूम देवबंद को भारत का सबसे खतरनाक मदरसा बताया। उसने लिखा कि अगर इसे बंद नहीं किया गया तो भारत अंग्रेजों के हाथ से निकल जाएगा। भारत के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा हिंद की स्थापना दारुल उलूम देवबंद द्वारा ही की गई। दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने वाले मुफ्ती किफायतुल्ला जमीयत उलमा हिंद के पहले अध्यक्ष थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि मौलाना कासिम नानोतवी ने दारुल उलूम देवबंद की स्थापना अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए की थी। इस मदरसे का मकसद देश में ऐसे नौजवानों को पैदा करना था जो भारत की आज़ादी में योगदान दे सके। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि दारुल उलूम देवबंद के छात्र रहे मौलाना महमूदुल हसन ने ही 1920 में गांधी को महात्मा का लकब दिया। उनका ये नाम इतना मशहूर हुआ कि गांधी पूरी दुनिया में महात्मा गांधी के नाम से पुकारे जाने लगे। महमूदुल हसन ने ही हकीम अजमल खान के साथ मिलकर 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी ताकि भारतीय शिक्षा तंत्र को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद करवाया जा सके। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि दारुल उलूम देवबंद में दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया जाता है। इस एग्जाम में हर साल 20,000 से अधिक छात्र शामिल होते हैं। दारुल उलूम देवबंद में हजारों लोग रहकर शिक्षा हासिल करते हैं। इस मदरसे में हर साल करोड़ों रुपये खर्च होते हैं और इसका पूरा खर्च मुसलमान उठाते हैं। दारुल उलूम देवबंद ने भारत में इस्लाम को फैलाने में बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। इस मदरसे ने दुनिया में सबसे ज्यादा आलिम और शिक्षाविद पैदा किए। तबलीगी जमात की स्थापना करने वाले मौलाना इलियास दारुल उलूम देवबंद के ही छात्र थे। देवबंद की कोख से जन्मी तबलीगी जमात आज दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक संगठन बन चुकी है। इसमें जुड़ने वालों की संख्या 20 करोड़ से अधिक है। अमेरिका से लेकर रूस, जापान, इंडोनेशिया और फ्रांस के हर शहर में इसकी शाखाएं फैली हुई हैं।
दुनिया के 150 से अधिक देशों में तबलीगी जमात के लोग मौजूद हैं। दारुल उलूम देवबंद भारत का पहला स्कूल था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाई। इस मदरसे ने अफगानिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और ईरान में ऐसे लोग तैयार किए जिन्होंने भारत की आज़ादी में बड़ी भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत दारुल उलूम देवबंद से ही हुई थी। 1916 में शेखुल हिंद ने तुर्की के युद्ध मंत्री अनवर पाशा के साथ मिलकर भारत को आज़ाद करने की जो योजना बनाई उसने भारत से अंग्रेजी सल्तनत को उखाड़ फेंका। दारुल उलूम देवबंद द्वारा चलाए गए इस आंदोलन के बारे में सर रोलेट ने लिखा कि ऐसी रणनीति को देखकर ब्रिटिश हुकूमत हक्का बक्का रह गई। दारुल उलूम देवबंद ने भारत के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। उड़ीसा के गवर्नर विशंभर नाथ पांडे के मुताबिक ये मदरसा अपने आप में एक देश था। अगर ये न होता तो भारत कभी आज़ाद न होता। भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले इस मदरसे के 50,000 से अधिक उलमाओं को अंग्रेज़ों ने एक साथ फांसी दे दी थी। दारुल उलूम देवबंद को देखने के लिए हर साल लाखों लोग भारत आते हैं जिससे भारत सरकार करोड़ों रुपये की कमाई करती है। विदेशों से आने वाले लोगों के लिए देवबंद आज भी कौतूहल का विषय है। देवबंद से पढ़कर निकले करोड़ों लोग आज दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। कोई भी देश ऐसा नहीं जहां पर इस मदरसे में पढ़ने वाले लोग मौजूद ना हों। भारत में चलने वाले ज्यादातर मदरसों में देवबंद का ही सिलेबस पढ़ाया जाता है। दारुल उलूम देवबंद भारत का अकेला मदरसा है जहां पर हेलीपैड की सुविधा मौजूद है। इस मदरसे में आसानी से हेलीकॉप्टर लैंड कराए जा सकते हैं। दारुल उलूम देवबंद में बनी मस्जिद रशीदिया भारत की सबसे खूबसूरत मस्जिद मानी जाती है। इस मस्जिद को बनाने में करोड़ों रुपये खर्च हुए। ताजमहल के बाद ये भारत की अकेली इमारत है जिसमें सबसे ज्यादा संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। मस्जिद रशीद को देखने के लिए आज भी दुनिया भर से लोग भारत आते हैं। दुनिया में दारुल उलूम देवबंद के अलावा कोई भी ऐसा संगठन नहीं जो बगैर सरकारी मदद के इतने बड़े स्कूल का संचालन कर ले। दारुल उलूम देवबंद का पूरा खर्च भारत के मुसलमान उठाते हैं। इसे आज तक किसी तरह के सरकारी फंड की जरूरत महसूस नहीं हुई। बहुत कम लोग जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना में दारुल उलूम देवबंद का बड़ा किरदार रहा। इस मदरसे के कई उस्ताद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मजलिसे शूरा में शामिल रहे। मौलाना कासिम नानोतवी की मौत पर सर सैयद अहमद खान ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनके जैसा आलिम अब दोबारा भारत में पैदा न होगा। दारुल उलूम देवबंद की जब स्थापना हुई तब इसमें कोई पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन आज उसी देवबंद में पढ़ने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। देवबंद आज सिर्फ एक मदरसा ही नहीं भारत की पहचान बन चुका है। इस मदरसे ने हर दौर में भारत के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। भारत को जब भी जरूरत पड़ी दारुल उलूम देवबंद हमेशा सीना ताने खड़ा रहा। दारुल उलूम देवबंद भारत के मुसलमानों की आन बान और शान माना जाता है। मुसलमान इसकी हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।